जो है 12.6 नंबर सोल्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है, 12.6, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ए वायर गिवन मटेरियल ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, एरिया ऑफ सेक्शन ए हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन है वायर की 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2। मीनिंग सेम जो है अनदर वायर है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम का मीनिंग रेजिस्टिविटी, मैं सपोज करता हूँ रो रेजिस्टिविटी है। सेम मटेरियल का मीनिंग है जो नई जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी, अगर मैं नई रेजिस्टिविटी के लिए डैश लगा दूँ तो वो भी इतनी ही है, इक्वल है। और नई जो लेंथ है यहाँ पर, लेंथ यहाँ पर लेंथ एल थी, एरिया ए था, एल लेंथ है वायर की, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर नई लेंथ जो है वो L/2 हो गई है। और नया जो एरिया आया है ए डैश, वो डबल कर दिया गया एरिया। तो क्वेश्चन में पूछा है नई रेजिस्टेंस कितनी आएगी, आर डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो नई जो रेजिस्टेंस आएगी आर डैश, ये कितनी आएगी, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा देते हैं नई रेजिस्टिविटी L/A। अब यहाँ पर हम अगर पुट करें आर डैश की जो वैल्यू है, रो डैश रो के इक्वल है, एल डैश कितनी है L/2 हो गई है, तो ये L/2 हो गई है। और एरिया जो है वो ए डैश की वैल्यू जो है वो 2A हो गया, तो डिवाइड में इसके कितना है 2A। तो आर डैश जो आएगी हमारे पास, नई रेजिस्टेंस जो आएगी आर डैश रो एल डिवाइड बाई 2 × 2 = 4 हो जाएगा 4A। और ये रो एल डिवाइड बाई ए, इसको हमने रेजिस्टेंस लिखा हुआ आर, तो नई जो रेजिस्टेंस आएगी दिस इज इक्वल टू 1/4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल या ओल्ड रेजिस्टेंस, तो इतने टाइम आएगी। जबकि आर की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो नई रेजिस्टेंस जो आएगी 1/4, और आर की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 ओम पुट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो आर डैश जो बचेगा 1 ओम जो है इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मीनिंग क्या है, अगर मटेरियल सेम गिवन है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है, और फॉर्मूला लगा दो। तो ये थे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स जो है जो सोल्ड गिवन थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कुछ NCERT के अंदर, ये बॉक्स के अंदर क्वेश्चन बने हुए हैं, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो आपको बता दिया गया है रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। विल करंट फ्लो मोर ईजली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल वैन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। तो देखो करंट जो होता है, अब बात आती है रेजिस्टेंस की, लेंथ तो सेम दे दी है, थिकनेस को अगर हम बढ़ा दें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो इसका मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मीनिंग करंट उसमें से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, करंट जो है ज़्यादा ईजिली किसमें से पास होगा, जो हमारी थिक वायर होती है उनमें से करंट जो है वो ईजिली पास हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन गिवन है, यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी गिवन है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट वाइल, रेजिस्टेंस को कॉन्स्टेंट कर दिया है, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट कैन चेंज यू अकर इन द करंट थ्रू इट। तो मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस तो हमारी फिक्स है, ठीक है, बट यहाँ पर पोटेंशियल को हाफ कर दिया है। मान लो पहले पोटेंशियल V था, V पोटेंशियल था, और नया जो पोटेंशियल है वो V/2 कर दिया है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो करंट में क्या चेंज आएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो करंट का। शुरू में अगर V वोल्ट था, रेजिस्टेंस R था, तो करंट ये आया था। नया जो करंट आएगा, अब नई पोटेंशियल होगी V/2, रेजिस्टेंस वही है R, तो यहाँ पे करंट जो आया 1/2 टाइम हो गया है
वी बाई आर को आई लिख सकते हैं ना, तो करंट कितना हो गया, हाफ नहीं हो गया, यानी कि पोटेंशियल को हाफ करने से करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ, अगर रेजिस्टेंस क्या है सेम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई आर कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रैदर देन ए प्योर मेटल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है भी, जो टोस्टर या जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उनकी जो वायर होती है वो किससे बनाई जाती है, एलॉय से तैयार करते हैं। तो एलोए से तैयार करने का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो एलोए होते हैं, सबसे पहले तो एलोए मिक्सर यूज़ करते हैं मेटल्स का, होमोजीनियस मिक्सर कुछ मेटल्स का, तो कल भी ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, क्योंकि जो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गिवन है, रजिस्टिविटी ऑफ एन एलोए इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। ये रजिस्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, किसकी ज़्यादा होती है, एलोए की ज़्यादा होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, और एलोए डू नॉट ऑक्सीडाइज ईजली, बर्न नहीं होते ये ईजली एट हाई टेम्परेचर, और यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर जो होते हैं, उनके जो एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर जो वायर यूज होती है वो किस चीज़ से बनाई जाती है, एलोए से तैयार की जाती है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, यूज द डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फ्लोइंग, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। तो आयरन और मरकरी में से कौन से बेटर कंडक्टर है, टेबल कहा इसने 12.2 नंबर टेबल यूज करो, तो 12.2 नंबर टेबल तो ये है हमारी। अब मरकरी हमारी, मर्क्यूरी कहाँ पर है, ये री मर्क्यूरी, इसकी रजिस्टिविटी गिवन है, और एक हमारा दूसरा गिवन था जो मर्क्यूरी के साथ आयरन, और आयरन का नंबर हमारा यहाँ पर आता है, तो किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा गिवन है यहाँ पे, मर्क्यूरी की रजिस्टिविटी ज़्यादा गिवन है, तो बेटर कंडक्टर कौन सा हुआ, फिर आयरन हुआ बेटर कंडक्टर, क्योंकि जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम, तो इनमें से आयरन जो है वो बेटर कंडक्टर होगा। ठीक है, विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो अब क्वेश्चन ये है कि बेस्ट कौन सा है, बेस्ट कौन सा होगा जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होगी, तो सबसे कम रजिस्टिविटी यहाँ टॉप पर जो है, टॉप पर कौन है, सिल्वर, और सिल्वर की रजिस्टिविटी 1.60 × 10⁻⁸ जो है ये गिवन है, तो इसकी रजिस्टिविटी सबसे कम है, तो इसका मीनिंग सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब इस चैप्टर में से एक पॉइंट और अभी रहता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो नेक्स्ट टाइम जो है हम ये करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू वेरी मच।